अगर दोस्तों आप इस प्रकार से अपने फोटो पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे वीडियो के नीचे इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से कई सारे फोटो देखे होंगे जिसपे टैक्स होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी अपने फोटो पर किस प्रकार से टैक्स ऐड करना है तो आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी फोटो पर टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ आप किस प्रकार से किसी भी फोटो पर टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाना है और एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाके आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको एक ऐप को सर्च करना है जिसका नाम है टाइपो इफेक्ट फोटो एडिटर। तो दोस्तों इस ऐप को मैंने अपने मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आपने इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आपको इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर कुछ ऑप्शन मिलते हैं, पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ऑप्शन सबसे काम का है क्योंकि इसके जरिए आप अपने फोटो पर किसी भी प्रकार के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है टाइपोग्राफी, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी फोटो अपने मोबाइल के अंदर से ऐड करना है उसको यहाँ से लेना है। तो दोस्तों मैं इस फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। यदि दोस्तों आप अपने फोटो की साइज में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर जो टेक्स्ट पड़े वो ऑटोमेटिक आपके फोटो पर ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फोटो पर यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट ऐड हो चुके हैं, ये टेक्स्ट वही है जो इसके अंदर पहले से है। यदि दोस्तों आप अपने फोटो की लाइटिंग को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपनी उंगली से इस फोटो पर राइट लेफ्ट करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फोटो पर जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको अपने मनपसंद कोई टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है वर्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और यदि आप उनको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम वापस बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको कुछ अलग अलग प्रकार के इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से इफेक्ट भी ले सकते हैं, आपको जो भी कलर यहाँ से पसंद आए वो ले सकते हैं। और यदि आप उन कलर के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एडिट के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने इफेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बैक आ सकते हैं। और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है टाइपोग्राफी, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को लाइट डार्क जैसे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइट डार्क यहाँ पे जितना करना चाहते हैं उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप अपने टेक्स्ट की फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके आपको जो भी फॉन्ट पसंद आती है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो जो सिलेक्ट करना चाहते हैं इसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि ये टेक्स्ट इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपने फोटो के अंदर ओवरले ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके आप अपने फोटो पर ओवरले जो भी ऐड करना चाहते हैं उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाला इफेक्ट आ चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के इफेक्ट मिल जाते हैं, आप जो भी अपने फोटो पर ऐड करना चाहते हैं केवल आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आप अपनी ओपेसिटी को लाइट डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, आपको जितना पसंद आता है उतना आप यहाँ से रख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप अपने फोटो पर कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो भी पसंद आए वो यहाँ से आप ले सकते हैं, फिर आप इसको अपने फोटो पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे आते हैं तो यदि आप अपने फोटो को रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, आप इसको लाइट डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइट डार्क भी कर सकते हैं, आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपको सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके आप अपने इस फोटो को सेव भी कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इसके कुछ और भी ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आपको वापस यहाँ से बैक आना है। इसके बाद हम बैक आते हैं तो बैक आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है टाइपो स्केच, आप इस पर क्लिक करके जो भी फोटो आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब आपको फोटो की साइज में कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं तो आप राइट पे क्लिक करके आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसके अंदर जाके दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले से जो ऐड किया है वो यहाँ से पहले से इफेक्ट आ चुका है। यदि आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों नीचे में दो और ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आप अपने टेक्स्ट को डिजाइन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है नेम आर्ट, आप अपने नाम के अनुसार जो भी डिजाइन देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। और यदि आप बनी बनाई डिजाइन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है टेक्स्टोग्राफी, आप इस पर क्लिक करके आप जो भी बनी बनाई डिजाइन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।